अस्सलाम वालेकुम जंग, मुझसे मिली। आज मैं और आप मिलकर चित्रोल करने वाले हैं जुगन काजिम की। बट बच्चा पैदा करने के बाद मेरा ये साइज था, बच्चा पैदा करने के बाद मेरा ये साइज था, बच्चा पैदा करने के बाद मेरा। आज हम जुगन काजिम की उस वीडियो के बारे में बात करेंगे जो उसने हाल ही में अपलोड की है। माई हाउस के नाम से एक व्लॉग उसने अपलोड किया हुआ है। हमारे साथ मसला यह है कि हम हर उस शख्स को आलिम समझने लगते हैं जो थोड़ा सा अमीर हो या थोड़ा सा मशहूर हो जाए। हमारी नज़र में वो तमाम उलूम व फ़नून का माहिर समझा जाता है, बेशक वो अलिफ को किला और बे को बंदरी पढ़ता हो। ये लोग पूरा साल कंजर और रमजान में आलिम होते हैं। हमारी सहरी अफ्तारीन के चेहरे अंबारों को देख के होती है जो कि 20 किलो मेकअप की जद में रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ आवाम का फुद्दू काटते हैं और आवाम भी ऐसे लीरा छापे हैं कि जिधर लगाओ लग जाते हैं। आइए देखते हैं शेख शीर इसके बारे में क्या कहते हैं। अब आपको नातें सुनेंगे हम आपकी अगले 6 दिनों के बाद नातें सुनेंगे और उधर जनाब अली कुर्रे में मेरा मोटरसाइकिल निकलेगा। जिधर आप लगाते हैं हम लग जाते हैं सारा। जुगन काजिम ने अपना व्लॉग यूट्यूब पे अपलोड किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस वीडियो में जितनी भी बेहयाई है उनका स्क्रीनशॉट लेके उनके ऊपर मैं उनका टाइम लिख दूंगा जो भी है, तो आप उसको ओरिजिनल वीडियो के अंदर ढूंढने में आसानी होगी। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है उठाकर जमीन पर मार देता है। ये लोग रोज सुबह उठकर हमें अखलाकियात सिखाने लग जाते। जुगन काजिम अपना वीडियो शुरू करती है तो सारा जे वाली पिन उसकी जुबान पर नजर आती है। अब बंदा पूछे ये पिन मुंह में नवाला नरम करने के लिए लगाई या कोई और वजह है। अब इस पेंटिंग को देख लें, ये उन्होंने इसलिए लगाई है ताकि इनके बच्चे को रेड ट्यूब पे ना जाना पड़े बल्कि इसी को देखकर हिला लिया करे। बाकी तमाम तस्वीरों को तो इन्होंने ब्लर कर दिया है मगर इसको नहीं किया। इनकी नज़र में ये कोई भी गंदी चीज नहीं है बल्कि इसको देखा जा सकता है और इसको घर में भी लटकाया जा सकता है। इसमें बेहयाई का कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये पेंटिंग देखें, ये बेचारी तो बस गर्मी की बीमारी हुई है, हवा लेने की थोड़ी कोशिश कर रही है। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, बंदा जब मर्जी चाहे जहाँ चाहे आवाज लगा सकता है। अब ये तस्वीरें देखें, ये मोहतरमा ने बेडरूम में लगा रखी है ताकि माहौल अच्छा बन जाए। इस वीडियो के अंदर जो भी मौजूद था वो मैंने आपको दिखा दिया है और इन तस्वीरों के ऊपर टाइम भी मैंने लिख दिया है, आप इनको ओरिजिनल वीडियो के अंदर देख सकते हैं। आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को।